उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के माती क्षेत्र में तब हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों को पता चला कि पास के सेंट मैथ्यू चर्च में सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। पुलिस भी सूचना मिलते ही बिना किसी देरी के सेंट मैथ्यू चर्च पहुंचती है, जिसके बाद वहां चल रहे धर्मांतरण के खेल का भांडा फूटता है। सुनिए कैसे पास में रहने वालों को मामले की खबर मिलती है। आपके सामने यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ हैं? पांच गाड़ियाँ और उसकी फुटेज मेरे पास है। अच्छा, वहाँ पे दुकान पे? हाँ। अच्छा, मैंने पूछा कि आप लोग भैया क्या बात, आप लोग बहुत भीड़ लगा के आ रहे हो, तो ये महिला बोलने लगी आपसे क्या मतलब, और पिकअप वाले से पूछा तो वो झगड़ने लगा और लेके आप यहाँ के स्थानीय, आपको तो पता होगा कि ये स्कूल है। हाँ, ये स्कूल है, ये सेंट मैथ्यू। दरअसल सेंट मैथ्यू चर्च में प्रार्थना सभा के बहाने प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगभग 150 लोगों को बुलाकर यहां सेंट मैथ्यू चर्च में इकट्ठा किया गया था। इन सभी लोगों को बरगलाकर उनके रोगों से मुक्ति दिलाने और उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाने के नाम पर यहां बुलाया गया था। रहने वाली है, जिला कौन सा है आपका? अयोध्या। यहां किस लिए आप आई हैं? बीमार। तो यहां कोई डॉक्टर आए थे क्या? नहीं, क्या क्या बता के आप लोगों को लेके आया गया? कि यहाँ भगवान साक्षात विराजमान है, आप चलिए। और क्या बोल के आप लोगों को लेके आया गया? कुछ बता नहीं। आप लोगों को पैसा दिया गया था क्या? गाड़ी आप अपने साधन से आए या कोई गाड़ी भेजी गई थी? नहीं, अपने साधन से। कब आई हैं आप? मतलब आज ही आई हैं कि कल आई हैं आप? आज ही आई। पुलिस भी मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर रही है। दोषियों को चर्च से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद अब उन पर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। जानिए खुद पुलिस अधीक्षक सायन सिन्हा से पूरे मामले के बारे में। एक हमें इनपुट प्राप्त हुआ कि ये सेंट मैथ्यू चर्च है जो कि माती क्षेत्र में है, थाना देवा के अंतर्गत। यहाँ पर कई व्यक्तियों को अयोध्या से लाया गया है, अयोध्या के विभिन्न स्थानों से, और यहाँ पर ऐसी सूचना थी कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन हेतु यहाँ पे लाए गए। इस सूचना पे तुरंत SDM सदर साहब, CO सिटी मैडम, CO सदर और तमाम जो हमारी जो फोर्स है वहाँ यहाँ पे तुरंत पहुँची है। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि इस सभा की कोई भी अनुमति सक्षम स्तर से प्राप्त नहीं की गई, तो यह ग्राह्य एवं उचित नहीं है। दूसरी बात कि जो यहाँ पे लोग आए हैं और उनसे जो बातचीत हुई है उसे कुछ संदिग्ध गति जो संदिग्ध कार्रवाइयों की अभी हमें प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है, हम इस संबंध में समुचित एवं विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें। इससे पहले भी यहाँ पे प्रार्थनाएं होती थी, लोगों को लाया जाता था, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको है? कितनी संख्या है जो आए हुए यहाँ पे? एग्जैक्ट करीबन यहाँ पे 150 प्लस लोग हैं, अभी काउंटिंग हो रही है, ठीक है, और सबसे बातचीत हो रही है, ठीक है। और जो भी यदि संदिग्ध गतिविधि होगी, जो भी पुष्टिकारक साक्ष्य प्राप्त होंगे, तदनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बाराबंकी के इस चर्च में स्थानीय लोगों की जागरूकता और पुलिस की चुस्त कार्रवाई से मिशनरियों के धर्मांतरण के प्लान पर पानी फिर गया। लेकिन धर्मांतरण का यह सनसनीखेज मामला अपने आप में अकेला ऐसा मामला नहीं है। गरीब लोगों को पैसों का लालच देकर, उनकी बीमारी ठीक करने के झूठे दावे देकर उनका धर्मांतरण कराने का ये खेल कई जगहों पर चल रहा है, और खासकर जनजातियों या आदिवासियों वाले इलाके में ऐसे मामले ज्यादा नजर आते हैं। पंजाब केसरी TV के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।